हेलो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने कुछ एम दिए थे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के सॉल्व करने को ओके okay? तो आज उसी से रिलेटेड हम एम जो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए थे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में उनको सॉल्व करते हैं क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के क्वेश्चन इनकरेक्ट uh, थे तो इसलिए हम इसमें उन क्वेश्चन के आंसर्स समझने की कोशिश करेंगे ओके okay? तो लेट स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी इज बायोटेक्नोलॉजी क्या है अ टेक्निक यूज इन बायोलॉजी यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फॉर मेडिकल एप्लीकेशन या फिर यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी क्या है ओके okay? तो आंसर है इसका बायोटेक्नोलॉजी है यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस ओके तो आप लोगों ने मोस्टली ये क्वेश्चन के इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है तो आप डेफिनेशन को अगर समझें तो जो यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जब भी किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करते हैं और उसमें हम उस बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं किसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू तो और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मैनिपुलेशन के बाद हम सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स जो है प्रोटीन्स के रूप में एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे हॉर्मोन्स एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स ये तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए ओके चलो नेक्स्ट है ई न्यूक्टेड एनिमल सेल हैव नो ई न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल के पास क्या नहीं है ठीक है लाइसोसोम सेंट्रियोल न्यूक्लियोलस या फिर राइबोसोम्स तो आंसर है आपको पता ही है ई e न्यूक्लिएटेड मतलब बिना न्यूक्लियस वाला एनिमल सेल तो इन सब में से जो बेस्ट आंसर है वो है न्यूक्लियोलस बिना न्यूक्लियस वाला एनिमल सेल को हम कहते हैं आपके ई न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल ओके देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे जो लाइसोसोम में आपको पता है क्या होते हैं सुसाइडल बैग्स होते हैं जो सेंट्रियोल्स हैं वो माइक्रो से बने होते हैं और ये आ, सेंट्रियोल्स आपके नॉर्मली हम देखें तो आ, आपके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं किसमें एनिमल सेल्स में ठीक है ना स्पेसिफ़िकली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं सेंट्रियोल्स वहीं हम न्यूक्लियोलस की बात करें तो न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोलस है ये नाम ठीक है न्यूक्लियोलस को हम ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं क्यों क्योंकि इसमें ट्वेंटी फाइव परसेंट जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो इसमें होता है ठीक और इस न्यूक्लियोलस में होता है सर्टेन काइंडस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स और साथ में राइबोजोम्स ठीक है ना तो ये किससे बना है आर और प्रोटीन से बना होता है मोस्टली और इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होता है राइबोजोम्स आप लोगों को पता ही होगा ये आपके अमाइनो एसिड को जोड़ने के काम आते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं ओके okay? नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग सर्क्युलर ड्यूप्लेक्स डीएनए ठीक है यूकैरियोटिक्स सेल ऑर्गेनली कौन सा है जिसके पास सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा ओके तो ऑप्शन हैं क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया बोथ ए एन बी या न्यूक्लियस तो आंसर है दोनों क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास ही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा ओके नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स रिजल्ट इन जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं उनके क्रॉसिंग ओवर से आ, क्या मिलता है ठीक है ना क्या बेनिफिट होता है इन सब में से तो क्या होता है लॉस ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोजोम या फिर क्रोमोसोमल एबरेशन या फिर सेल डेथ या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो करेक्ट आंसर है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है जब भी दो होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है ओके okay? नेक्स्ट है वर्ड वायरस वॉज फर्स्ट यूज बाय वर्ड वायरस जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया ठीक है बॉडम इवानोस्की स्टैनले या बीजरनिक तो आंसर है जो आप देखो यहाँ पे आपका आंसर है पहला क्वेश्चन को समझेंगे जो वायरस टर्म है वो सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया ये मतलब है यहाँ पे ठीक है ना तो ये बीजरिंक ने सबसे पहले वायरस टर्म का इस्तेमाल किया था इन्होंने सबसे पहले कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम टर्म देके सर्टेन सोलेबल कंपोनेंट्स को वायरस कहा था ठीक है ना और जबकि इवानोस्की की बात करें हम इवानोस्की की बात करें तो इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था तो टोबैको मोजाइक वायरस को डिस्कवर किया था सबसे पहला वायरस जो डिस्कवर किया गया वो इवानोस्की द्वारा डिस्कवर किया गया ओके चलो नेक्स्ट है फर्स्ट एनिमल पैथोजेनिक वायरस डिस्कवर्ड बाय पहला एनिमल पैथोजेनिक वायरस किसके द्वारा खोजा गया तो इसमें ऑप्शन है एवानोस्की स्टानी बिजरिंग या लॉफर एंड फ्रोइस्ट ओके तो आ, आंसर है इसका Uh, जो क्वेश्चन समझेंगे एन फर्स्ट एनिमल पैथोजेनिक वायरस जो पहला एनिमल में डिजीज़ कॉज करने वाला वायरस है वो कौन सा था और किसके द्वारा खोजा गया था ठीक है ना तो सबसे पहला जो एनिमल में डिजीज़ uh, कॉज करने वाला वायरस था वो था फुट एंड माउथ डिजीज़ का ठीक है जो सबसे पहले खोजा गया किसके द्वारा लिफुलर एंड फ्रॉस्ट के द्वारा ठीक है लिफ्लर एंड फ्रॉस्ट ने मिलके एफ डिजीज का कॉजिंग एजेंट बताया था एक वायरस है ओके okay? चलो नेक्स्ट है एवरेज साइज रेंज ऑफ वायरस जो एवरेज साइज रेंज है वायरस की वो क्या है तो लगभग मोस्टली जो वायरस होते हैं वो आपके आंसर सेलेक्ट कर लेंगे इसमें से कौन सा है तो आंसर है आपका 20 से 300 नैनोमीटर ओके okay? तो मोस्टली जो वायरस होते हैं वो 20 से 300 नैनोमीटर के बीच के होते हैं एक नैनोमीटर में टेनरिस्ट पावर माइनस नाइन मीटर्स आते हैं और अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो वायरस है वो हजार नैनोमीटर साइज तक का हो सकता है लेकिन हम यहाँ पे एवरेज की बात कर रहे हैं ठीक है ना सबसे बड़ा नहीं पूछा है तो इसलिए ऑप्शन क्या है 20 से 300 के बीच में कई जगह आप लोगों को 5 से 300 के बीच का ऑप्शन भी मिलेगा तो वो भी करेक्ट होगा ओके okay? नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ओनली आरएनए डीएनए बोथ आरएनए डीएनए या फिर डीएनए और प्रोटीन ओके okay? तो आंसर है जो वायरसेस हैं उनका जेनेटिक मटेरियल होता है दोनों डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं ठीक है नेक्स्ट है नेचुरल स्टेज ऑफ वायरस कैपेबल ऑफ इन्फेक्शन जो नेचुरल स्टेज है वायरस की जो इन्फेक्शन कॉज करती है वो क्या है वायरॉइड वायरसॉयड विरियन या वायरस पार्टिकल ओके तो आंसर है विरियन, जो वायरस की नेचुरल स्टेज इन्फेक्शन कॉज करती है वो है विरियन, ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि वायरोइड विरियन और वायरसॉइड uh, में क्या अंतर है ठीक है ना वायरोइड की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजेंस होंगे ठीक है और ये क्या करेंगे स्पेसिफिकली uh, डीएनए या आरएनए के बने होंगे सबसे छोटे इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट्स ठीक है और वहीं हम देखें वायरसॉइड की बात करें तो वायरसॉइड्स क्या है ये सर्कुलर होंगे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डिपेंडेंट होंगे और ये समझ लीजिए कि ये वायरसॉइड जो है आपका वायरोइड और हेल्पर वायरल कोड प्रोटीन से मिलकर बना है ठीक है ना किससे बना है वायरल वायरॉइड और वायरॉयड के साथ जब वायरस की कोट प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी तब वायरसॉयड बनेगा ठीक है सबसे छोटा भाग है इन्फेक्शन कॉज करने वाले पैथोजन का जिसे हम कह रहे हैं वायरॉयड जो डीएनए या आरएनए हो सकता है वायरसॉयड डीएनए आरएनए और कोट प्रोटीन से बना होगा ठीक है वायरसॉयड डीएनए आरएनए और कोट प्रोटीन से बना होगा जबकि वेरेन की बात करें तो वरियन क्या है एक एंटायर वायरल पार्टिकल है जिसके पास प्रोटीन की एक शेल प्रोटीन का एक कवच होगा जिसे कैप्सिड कहेंगे और अंदर का एक भाग होगा इनर कोर होगा आंतरिक भाग जो आपके न्यूक्लिक एसिड से बना होगा ठीक है जिसमें डीएनए, आरएनए, कुछ भी जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस का प्रेजेंट होगा ठीक है जो कोर होता है जो आंतरिक भाग है कोर वो इन्फेक्शन कॉज करता है वहीं जो बाहरी कवच है कैप्सिड वो स्पेसिफिसिटी देता है किसी भी वायरस को स्पेसिफिक बनाता है ठीक है ना नेक्स्ट है विरेन रिफर्स विरयोन क्या होते हैं तो आंसर्स हैं और सॉरी ऑप्शंस हैं कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस कैप्सिड ऑफ वायरस न्यूक्लिक एसिड या डेड वायरस ओके तो आप कर सकते हैं इसे सॉल्व मैंने बताया पहले भी आंसर है विरयोन क्या है कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस डेफिनेशन हमने देखी थी अभी कि पूरा का पूरा जो वायरस पार्टिकल है जिसमें वायरस का कोट या बाहर का जो शेल है कैप्सिड भी आएगा और इनर कोर भी आएगा उसे हम क्या कहेंगे वीरॉन कहेंगे ये एक्टिवेट होगा और किसी भी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा और जब होस्ट सेल पे वायरस अपना इन्फेक्शन देगा या वायरस का जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो होस्ट सेल के साथ इंटेंगल हो जाएगा तब प्रोवायरस बनता है ओके तब क्या बनेगा प्रोवायरस की फॉर्मेशन होगी नेक्स्ट है एड्स वायरस कंटेन एड्स के वायरस में क्या होता है uh, जो आपकी डिजीज़ है दैट इज अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशंसी सिंड्रोम ठीक है और ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस के थ्रू होता है ठीक है तो यहाँ पे हम देखें तो क्या होता है वायरस एड्स uh, वायरस में सिर्फ डीएनए होता है या फिर डीएनए विद प्रोटीन या फिर डीएनए विदाउट प्रोटीन या फिर आरएनए एन विद प्रोटीन तो आंसर है एड्स में होता है एड्स का जो वायरस है उसमें आरएनए होता है जिसके साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना तो ये एक क्या है आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ वायरस है ओके नेक्स्ट है प्लाज्मिट्स क्या है ठीक uh, है प्लाज्मिट्स क्या है ऑप्शन है स्मॉल कोइल्स ऑफ डी एन ए या फिर पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल ऑफ़ आर एन ए एंड प्रोटीन या फिर स्मॉल कोयल्स ऑफ आर एन ए या प्लाजोलाइज्ड पार्टिकल्स ठीक है तो आंसर है स्मॉल कॉइल्स ऑफ डी एन ए आर टर्म्ड एज प्लाज्मिट इसको हम एक और डेफिनेशन से समझते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डी एन ए भी हम प्लाज्मिट्स को ही कहते हैं या फिर स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डी एन ए मॉलिक्यूल्स को भी हम प्लाज्मिट ही कहते हैं ठीक है तो ये छोटे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डी एन ए होंगे या फिर कॉइल्स होंगे कॉइल्स जो सर्कुलर पार्ट्स हैं वो होंगे डीएनए के ठीक है और ये आपके मोस्टली प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में और आर्कीज आर्कियाज में भी होते हैं प्रेजेंट और कुछ यूकैरियोट्स में भी हम इन्हें देखते हैं ठीक है स्मॉल कोइल्स ऑफ आरएनए को हम क्या कहेंगे स्मॉल कोइल्स ऑफ आरएनए को हम वायरसॉइड कहेंगे ठीक है ध्यान में रखेंगे स्मॉल कॉयल्स ऑफ आरएनए को हम क्या कहेंगे वायरसॉइड कहेंगे वायरेसॉइड जो कि आपके आरएनए से बना है और साथ साथ में आपके प्रोटीन कोट से बना है ठीक है नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स क्या है तो इसका आंसर इजी है एंटीबायोटिक्स uh, क्या होते हैं बैक्टीरी साइड्स होते हैं ठीक है बैक्टीरी साइड्स होते हैं एंटीबायोटिक्स और जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती हैं या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरीसाइडल भी हो सकते हैं या बैक्टीरी स्टैटिक भी हो सकते हैं बैक्टीरीसाइडल मतलब जो किल करते हैं बैक्टीरिया को और बैक्टीरी स्टैटिक मतलब जो इनहिबिट रोक देते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को ठीक है चलो नेक्स्ट है जेनेटिक वेक्टर इज इनमें से कौन सा जेनेटिक वेक्टर है प्लाज्मेड फेज कॉजमेड या सभी ओके तो आंसर है जेनेटिक uh, वेक्टर ये सभी जो हैं ये जेनेटिक वेक्टर के फॉर्म में यूज़ होते हैं वेक्टर वो एजेंट हैं जो आपके डिज़ायरेबल जी जीन को या डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट को uh, किसी भी होस्ट सेल में इंसर्ट करने में हेल्प करते हैं ठीक है तो ये आपके कारक हैं एक तरीके से समझ लीजिए अभी हम देखें यहाँ पर तो प्लाज़्मिड uh, क्या है हमें पता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर मटेरियल है ये ठीक है और जो बैक्टीरिया आर की या यू कैरी में पाया जाता है ठीक है मोस्टली बैक्टीरिया में पाया जाता है वहीं फ़ेज़ हम समझें तो फेज को बैक्टीरियो फ़ेज भी कहते हैं एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और वहीं हम कॉजमिड को देखें तो कॉजमिड क्या है एक हाइब्रिड प्लाजमिड है ठीक है ना कॉजमिड क्या है एक हाइब्रिड प्लाज्मिड है जिसके पास लेमडा फेज़ के सीक्वेंस और uh, प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना लैम्डा फेज के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं तो प्लाज्मिड में जब हम लैमडा फेज या फिर बैक्टीरियो फेज जो है उसके सीक्वेंसेस डाल दें तो वो आपका कॉजमिड कहलाएगा तो कॉज सीक्वेंसेज ऑफ लैमडा फेज प्लस प्लाज्मिड इज कॉजमिड ओके नेक्स्ट है पर्पज ऑफ क्लोनिंग इज टू क्लोनिंग का पर्पज क्या है रिप्लेस ओरिजिनल जीनोटाइप प्रिजर्व जीनोटाइप प्रोडक्शन ऑफ एच जी एच जीन इन ई कोलाई या फिर नन ऑफ अबव तो आंसर है पर्पज ऑफ क्लोनिंग क्लोनिंग का पर्पज़ क्या है क्लोनिंग का पर्पज़ होता है प्रोडक्शन करना ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन जीन का किसी भी ईकलाई e. में तो अब यहाँ पे ना सिर्फ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन बल्कि कोई सी भी जीन जो आपके प्रोटीन प्रोडक्ट बनाती हो वो uh, उसका प्रोडक्शन करना ही बेसिकली आपके क्लोनिंग का काम है ठीक है ना तो हम पर्पस क्या है देखो बेवजह हम किसी भी एनिमल के क्लोन्स नहीं बनाते या किसी भी बैक्टीरिया या फिर आपके जो भी होस्ट सेल हैं उनके क्लोन्स नहीं बनाते हमें पर्पस चाहिए तो पर्पस ऑफ क्लोनिंग क्या है अपने जीन से प्रोडक्ट डिजायरेबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना ठीक है तो ये क्या है एक्चुअली क्लोनिंग uh, की डेफिनेशन देखें हम तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल से प्रोड्यूस करते हैं क्या uh, किसी भी इंडिविजुअल के डीएनए से प्रोड्यूस करते हैं कोई भी डिज़ायरेबल uh, प्रोडक्ट ठीक है या तो नेचुरली प्रोड्यूस कर लेंगे या फिर हम आर्टिफिशली uh, प्रोड्यूस कर लेंगे लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है उसके लिए हमें उस इंडिविजुअल के बहुत सारे आइडेंटिकल्स बनाने ठीक है ना उस इंडिविजुअल के या फिर उस इंडिविजुअल के डी के आइडेंटिकल्स बनाने यानी कि उनके जैसे ही uh, एक और या बहुत सारे और इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने हैं ठीक है कॉपीज़ मतलब नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन यूज ऑफ रेट्रोवायरस ऑप्शन है फार्मिंग क्लोनिंग जीन थेरेपी या फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन ओके तो यहाँ पे आपका आंसर uh, होगा जो कॉमन यूज है रेट्रोवायरस का वो है जीन थेरेपी जीन थेरेपी में सबसे ज़्यादा रेट्रोवायरसेस को यूज़ किया जाता है ठीक uh, है और जीन थेरेपी क्या चीज है इसमें हम एक पर्टिकुलर जीन को इंसर्ट uh, करते हैं या फिर कोई भी डिफेक्टेड जीन है उसे रिमूव करते हैं और किसी पर्टिकुलर डिजीज को हम क्योर करते हैं ठीक है थीके? तो रेट्रोवाइरसेस का कॉमन यूज़ क्या है जीन थेरेपी में ओके okay? नेक्स्ट है मेन यूज ऑफ शटल वैक्टर्स कंसिस्टिंग ईकलाई एंड बी पी वी सीक्वेंसेज ठीक है शटल वैक्टर का इम्पॉर्टेंट काम क्या है uh, जिसमें शटल वैक्टर्स में जिसमें प्रजेंट जिस होगा ई e. कोलाई और बोवाइन पैपिलोमा वायरस के सीक्वेंसेज उन शटल वैक्टर्स का काम क्या होगा मोस्टली शटल वैक्टर्स क्या होते हैं ऐसे वैक्टर्स uh, जो आपके दो अलग अलग स्पीसीज uh, दो अलग अलग होस्ट स्पीसीज़ में प्रोपोगेट कर सकते हैं इजीली ठीक है ऐसे वेक्टर्स डिज़ाइन करते हैं हम लेबोरेटरी में ठीक है और इसमें हम दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जीन इंसर्ट कर सकते हैं ऐसे वेक्टर्स के थ्रू ठीक है तो ये डिज़ाइन किए गए वैक्टर्स हैं और इनका मेन यूज़ क्या है तो इनका मेन यूज़ है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए हम शटल वेक्टर्स को डिजाइन करते हैं और शटल वैक्टर जैसे कि एग्जांपल में हम दे रहे हैं ईकोलाई e. और बोवाइन पेपिलोमा वायरस के डीएनए एन से बना हुआ ये वेक्टर होगा ठीक है ना सॉरी जेनेटिक सीक्वेंस से बना हुआ ये वेक्टर होगा नेक्स्ट है वॉट इज सेल लाइन सेल लाइन क्या है सेल लाइन ऑप्शन है मल्टीलेयर कल्चर ट्रांसफॉर्म सेल्स मल्टीपल ग्रोथ ऑफ सेल्स सब कल्चरिंग ऑफ प्राइमरी कल्चर आंसर है सेल लाइन है सब कल्चरिंग ऑफ प्राइमरी कल्चर ठीक है सेल लाइन क्या होता है जिसमें हम सेल्स को ग्रो करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशन में और इन विट्रो यानी कि किसी भी लेबोरेटरी में पर्टिकुलर ग्लासवेयर के अंदर ठीक है और इसमें हम बार बार रिपीट करते हैं प्रोपोगेशन को ठीक है सेल लाइन जो टिश्यू कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें हम बार बार कल्चर करते हैं अपने प्राइमरी कल्चर को नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स आर इन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स किस में एक्सप्रेस किए जाते हैं ठीक है तो ऑप्शन ये है आपके आंसर है एनिमल्स में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स एक्सप्रेस किए जाते हैं इन सब में से सबसे शूटेबल आंसर है एनिमल्स ओके नेक्स्ट है वट आर द पी एलिमेंट्स पी एलिमेंट्स क्या हैं ठीक है ड्रोसोफिला में हमने ड्रॉसोफिला वायरस वैक्टर पढ़ा था जिसमें हमने पी एलिमेंट को इंसर्ट किया था वैक्टर में और फिर एक नया पी वायरस पी एलिमेंट वायरस वैक्टर बनाया था ओके तो पी एलिमेंट क्या है पॉपुलर एलिमेंट ट्रांसपोजोन होम्योटिक जीन या प्रेशर इंड्यूजिंग जीन ऑप्शन आंसर है पी एलिमेंट ट्रांसपोजोन्स होते हैं जो कोड करते हैं ट्रांसपोजेज एंजाइम को ठीक है ना और ये आपके ए, एक तरीके से ट्रांसपोजिशन यानी कि इधर से उधर शिफ्टिंग में भी हेल्प करते हैं ठीक और ये काम करते हैं किसपे ये डीएनए बेस्ड होते हैं और काम करते हैं कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म पे इधर से काटेंगे डीएनए सेगमेंट को दूसरी जगह जोड़ देंगे ठीक है इस तरीके से अपनी बहुत सारी जगह पे अपनी कॉपीज जो हैं जोड़ते हुए चलते हैं ठीक अभी हम ट्रांस पी एलिमेंट की बात करें तो पी एलिमेंट ड्रोसोफिला में पाया जाता है पी रिप्रेजेंट पैटर्निटी ठीक और ये इफेक्ट करता है किसी भी ड्रोसोफिला में हाइब्रिड डिसजेनेसिस को हाइब्रिड डिसजेनेसिस होती है एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेरिलिटी आ जाती है ड्रोसोफिला में ठीक है ना टेम्परेचर बढ़ने या घटने के कारण मोस्टली बढ़ने के कारण मोस्टली टेम्परेचर बढ़ने के कारण जब एक इंसेक्ट इनकेपेबल होता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने में उसे हम हाइब्रिड डिसजेनेसिस कहेंगे ओके okay? नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ पी एलिमेंट पी एलिमेंट की अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या है ठीक तो पी एलिमेंट की अप्रोक्सीमेट लेंथ है लेस देन टेन के बी ठीक तो पी एलिमेंट की लेंथ को अगर हम देखें तो ये है आपकी लगभग टू पॉइंट नाइन के बी ठीक है तो इसलिए ये इनमें इस से किसी में भी फिट नहीं आएगा बी को छोड़ के ठीक है तो बी में ही फिट आएगा लेस देन टेन के बी क्योंकि टू पॉइंट नाइन के बी टेन के बी से कम ही होगा ठीक है एक बेस पेयर में कितने किलो बेस पेयर आते हैं के भी आते हैं तो एक बेस पेयर में थाउजेंड किलो बेस पेयर या किलो बेसिस आते हैं ओके नेक्स्ट है व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ पी एलिमेंट ये तो हो गया सॉरी नेक्स्ट है ट्रांसपोजोन्स कैन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन डैश ऑफ अ सेल ठीक है ट्रांसपोजोन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं किस भाग में आपके सेल के किस भाग में न्यूक्लियस में या फिर क्रोमोजोम में या फिर सेल मेम्ब्रेन में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में तो आंसर है क्रोमोजोम में ओके नेक्स्ट हाउ मेनी जीन्स आर कंटेंड इन पी एलिमेंट पी एलिमेंट में कितनी जीन्स होती हैं तो पी एलिमेंट को वाला जो लेक्चर है उसे दोबारा से रिकवर कर लेंगे अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन गलत किया है ठीक है तो पी एलिमेंट्स में जो जीन्स होती हैं वो होती हैं तीन जीन्स ठीक है ध्यान से देखेंगे पी एलिमेंट में कितनी जीन्स हैं तीन जीन्स हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लैंकिंग इन्वर्टेड रिपीट्स इन पी एलिमेंट ठीक है क्या फंक्शन है जो टर्मिनल रिपीट्स हैं पी एलिमेंट में उनका क्या फंक्शन होता है ठीक तो है sequence, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस रिकॉग्निशन सीक्वेंस रिप्रेशन इंडक्शन एक्टिविटी या ऑपरेटर्स ठीक है तो आंसर है रिकोगनिशन सीक्वेंस जो जैसे लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स थे रेट्रोवायरस में या फिर पी एलिमेंट में जो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स हैं ये सारे के सारे जो होते हैं ये किसी एंड पे आपकी स्पेसिफिक जो जीन है उसके एंड पे प्रेजेंट होंगे ठीक है ना जो डीएनए इंसर्ट है उसके दोनों एंड्स पे प्रेजेंट होंगे इस तरीके के रिपीट्स ठीक और ये किस काम आते हैं ये एक्चुअली होते हैं पेलिड्रोमिक सीक्वेंसेस ये पहचानने के काम आते हैं आपके जीन या फिर जो भी आपके ट्रांस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है उस तरीके से ये सबसे पहले रिकॉग्निशन का काम करते हैं तो ये एक तरीके से कंप्लीट बॉक्सेस हैं पेलिड्रोमिक सीक्वेंसेस का जहाँ से कि आपकी इनिशिएशन होगी सेंट्रल डॉगमा पाथवे की नेक्स्ट है पी एलिमेंट कैन चेंज पोजिशन ऑब्लिक जम्प बिटवीन डैश एंड वन ऑफ द फ्लाइज़ क्रोमोजोम ठीक है पी एलिमेंट अपनी पोजिशन चेंज कर सकता है या फिर जंप कर सकता है किसके बीच में एक फ्लाइज क्रोमोजोम और एक पतंगे के क्रोमोजोम और किस दूसरे किस के बीच में ठीक तो है तो पी एलिमेंट इसमें ऑप्शनस हैं प्लाज्मिट बैक्टीरियल क्रोमोजोम ईस्ट क्रोमोजोम या फिर अनदर फ्लाइज क्रोमोजोम तो आंसर है आप पी एलिमेंट वैक्टर हमने डिज़ाइन किया था तो आपको ध्यान होगा पी एलिमेंट प्लाज्मिट वैक्टर हमने पढ़ा था ठीक है ना लेक्चर देख लेंगे दोबारा से नहीं तो अब इसमें क्या है कि पी एलिमेंट प्लाज्मिड वेक्टर में हम क्या करते हैं पी एलिमेंट लेते हैं फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला के क्रोमोजोम से और प्लाज्मिड वेक्टर लेते हैं बैक्टीरिया से और दोनों का हम क्या कर देते हैं फ्यूजन uh, कर देते हैं दोनों को हम आपस में जोड़ लेते हैं तो हमें क्या मिलता है पी एलिमेंट वायरस वैक्टर मिलता है ओके चलो नेक्स्ट है द बेसिक वैक्टर यूज फॉर क्लोनिंग एंड ड्रॉसोफिला जो बेसिक वैक्टर हम इस्तेमाल करते हैं क्लोनिंग के लिए ड्रॉसोफिला में वो क्या है ठीक है तो पहला है ऑप्शन प्लाज्मेड बैक्यूलो वायरस क्यूमिलो वायरस या फिर यैक ओके तो आंसर है प्लाज्मिड जो बेसिक वेक्टर हमने सबसे पहले यूज़ किया था क्लोनिंग के लिए ड्रोसोफिला में वो था आपका प्लाज्मिड वेक्टर ठीक है ना देखो पी एलिमेंट कोई वेक्टर नहीं है पी एलिमेंट क्या है सिर्फ एक सीक्वेंस है किसका ड्रोसोफिला के जीन uh, का मतलब ड्रॉसोफिला के सेगमेंट्स का ठीक है तो जो जेनेटिक सेगमेंट है ड्रोसोफिला का उससे हमने पी एलिमेंट ले लिया उसके डीएनए से हमने पी एलिमेंट ले लिया उसके बाद वो पी एलिमेंट हम प्लाजमेट में डालते हैं और तब हम एक बेसिक वेक्टर डिजाइन करते हैं क्लोनिंग के लिए ड्रोसोफिला में ठीक है नेक्स्ट है वैक्यूलो वायरस आर वैक्टर्स यूज फॉर क्लोनिंग इन बैक्यूलो वायरस वैक्टर्स को हम किसके क्लोनिंग में इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना तो इसका आंसर तो इजी है इसका आंसर है इंसेक्ट्स ठीक है वैक्लो वायरस वैक्टर्स को हम मोस्टली या आपके जो इंसेक्ट्स हैं उनमें यूज करते हैं ठीक है तो आपने ऑप्शन आपने अगर लेक्चर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि हमने सिल्क मॉथ में और इस्पेडो इस्पोडोपेड्रा में इस्तेमाल किया था क्या इंसेक्ट्स के इंसेक्ट्स में जो वायरस वेक्टर है बैक्यूलो वायरसेस को इस्तेमाल किया था ओके